दमोह जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणामों की घोषणा मतगणना के बाद की गई। परिणाम घोषणा के साथ विजयी पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत के साथ बधाइयों का दौर चलता रहा। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश मेहता ने एक तरफा मुकाबले में 162 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने युवा अधिवक्ता रविकांत ठाकुर को पराजित किया है। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मुकेश पांडे ने लगातार दूसरी बार बाजी जीती है। उन्होंने अधिवक्ता बेलू खरे को 21 मतों के मामूली अंतर से पराजित किया। इधर सचिव पद के चुनाव में रमेश श्रीवास्तव ने कौशलेंद्र पांडे को 52 वोटों से मात दी है, जबकि सह सचिव पद में चुनाव में युवा अधिवक्ता दिलीप सिंह ठाकुर ने एक तरफा मुकाबले में हेमंत पाठक को 143 वोट से हराया है। कोषाध्यक्ष पद पर कपिल हजारी तथा पुस्तकालय प्रभारी पद पर श्याम बिहारी खरे निर्वाचित घोषित किए गए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी मनीष नगाईश ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने में निर्वाचन अधिकारी मुरारी खरे एवं पर्यवेक्षक पवन पाठक का विशेष योगदान रहा। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबई की रिपोर्ट। अधिवक्ताओं का हमें पूर्ण सहयोग हमको मिला है और खुशी भी हुई है। अधिवक्ता संघ की सेवा करने का अच्छा अवसर हमको मिलेगा। आपकी टीम में कौन कौन शामिल हो गया है? हमारी टीम में हजारी जी हैं, अब श्याम बिहारी श्रीवास्तव, दिलीप सिंह जी हैं, मुकेश पांडे जी हैं, ये सब मिलके काम करेंगे अधिवक्ता संघ के लिए। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव जो हमारे द्विवार्षिक होते थे, इस वर्ष कुछ कोरोना के कारण कुछ समय विलंब के बाद हुए, जब स्थितियां सामान्य हुई और उसमें आज हमारा निर्वाचन, कल मतदान किया था जिसमें कि बढ़ चढ़कर अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया था और लगभग 90-92% से ज़्यादा मतदान हुआ था और आज उसके परिणाम सुबह 11 बजे से काउंटिंग चालू हुई और अभी मैं देख रहा हूं कि लगभग 4 बज रहे हैं। लगभग आधे घंटे पहले हमारे सारे परिणाम आ चुके हैं। अध्यक्ष के तौर पर श्री सुरेश मेहता जी और सचिव के तौर पर श्री रमेश श्रीवास्तव जी विजयी हुए हैं। उपाध्यक्ष मुकेश पांडे जी जीते हैं। सह सचिव और हमारे पुस्तकालय प्रभारी, ये सारे नए पदाधिकारी एक नई टीम चुनकर आई है और अब इनके ऊपर ये दायित्व है कि जिला अधिवक्ता संघ और अधिवक्ताओं के हित के लिए ये कार्य करें। काफ़ी इनके ऊपर दारोमदार रहता है संघ का। जब भी हमारे किसी सदस्य पर आपदा आती है तब हमारी ये कार्यकारिणी ही आगे आकर काम करती है और लोगों को राहत प्रदान करती है, साथ में अधिवक्ताओं के हित के लिए भी लगातार काम करती है। मैं सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये अधिवक्ता हित के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.